देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, वैज्ञानिकों का और डॉक्टरों का सबका अपमान है। एक बयान सपा अध्यक्ष अखिलेश ने दिया तो उस बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर दिया। अखिलेश के उस बयान के निशाने पर मोदी और योगी सरकार है तो केशव प्रसाद मौर्य के निशाने पर खुद अखिलेश हैं। सियासी अखाड़े में दोनों ओर से दांव पेच जारी है। राजनीति के इस दंगल में जुबानी जंग बेहद ही आक्रामक है। अखिलेश ने ऐसा क्या कह दिया कि केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति अपने दम को दिखाने के लिए बेताब होने लगी। आइए सबसे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान को सुनते हैं जिससे सियासत की दुनिया में तूफान आने को बेताब है। देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल मैं टीका नहीं लगवा रहा हूं। वो बीजेपी की वैक्सीन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? जब उनकी सरकार बनेगी तो सभी को फ्री में टीका लगेगा, वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। अब जबकि अखिलेश बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो इससे क्या मतलब निकाल सकते हैं? जनता मतलब निकाले या ना निकाले, लेकिन राजनीति के धुरंधर तो अपनी राजनीति के मुताबिक मतलब निकाल ही लेते हैं। अब देखिए ना, योगी सरकार के डिप्टी सीएम के पद पर तैनात केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की सियासत को नया रंग देने के लिए अखिलेश को निशाने पर ले लिया। कह दिया अखिलेश पर यूपी के लोगों को भरोसा ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके, वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफी मांगे और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले हजार बार सोचना चाहिए। केशव एक के बाद एक अखिलेश पर वार करते रहे, कहते रहे अखिलेश पर यूपी को भरोसा नहीं। अखिलेश ने देश के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों का अपमान किया है। अखिलेश को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, यानी वैक्सीन को लेकर सियासत के मैदान में वार पलटवार का दौर जारी है। अब समझने वाली बात यह है इससे किस पार्टी की सियासत शानदार है।